डिस्कस अबाउट द एवरेज स्पीड, राइट? सो एवरेज स्पीड करने से पहले हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखा उसके बारे में हम बात करेंगे. सो वो है एवरेज वेलोसिटी. आपने एवरेज वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है. और एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इट इज एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर टी टू माइनस टी वन. मीन्स ये है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. ये क्या है? पोजीशन कितनी चेंज हुई, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. अब जरा देखिए, कई बार हमारे पास समस्या ऐसी आती है कि सम टाइम इज अब प्रोफेसर राइट, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ. आपको एक बार पाथ लेंथ का कंसेप्ट जो है वो एनसीईआरटी से पीछे जाके पढ़ लेना है. तो कई बार डिस्प्लेसमेंट जो पाथ लेंथ के बराबर नहीं होता. तो ये जो क्वांटिटी, आपको कोई एक नई क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जनरेट करनी पड़ेगी जो पाथ लेंथ को इन्वॉल्व करके चले. तो हम इसके लिए एक नए टर्म डिवाइस करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीड. अब स्पीड क्या चीज़ है इसको भी आपको समझना है. स्पीड ऐसी चीज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि एक जो पार्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल वो ए से लेके बी तक जा रहा है, तो ये भी आपको वही जानकारी देता है कि कितनी तेजी से एक पार्टिकल ए से लेके, जैसे मान लो आपका, आप यहाँ से चलते हैं और आप यहाँ पहुँच जाते हैं, तो कितनी तेजी से आप ए से लेके बी तक चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीड. सो इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आपके साथ सॉल्व करेंगे, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. एवरेज स्पीड जो होती है वो रेशियो होती है टोटल पाथ लेंथ. एक बॉडी ने जितना रास्ता तय किया जिस मर्जी डायरेक्शन में, टोटल पाथ लेंथ ओके डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसकी रेशियो को हम बोलते हैं स्पीड. ओके तो ये पाथ जुड़ता चला जाएगा और पाथ की जो लेंथ है उसको हम मीटर में मापेंगे, एसआई यूनिट्स में, और टाइम को हम सेकंड में मापेंगे. तो इसके यूनिट बन जाएंगे मीटर पर सेकंड. ये स्पीड को मापने का के लिए यूनिट होगा. और दूसरी बात है कि इट डू नॉट टेल एनीथिंग, डू नॉट टेल एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता. इसमें आपकी बॉडी किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही है, नॉर्थ की ओर जा रही है, साउथ की ओर जा रही है, ईस्ट की ओर जा रही है, वेस्ट की ओर जा रही है, इसमें डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. वो कितनी तेजी से अपने पाथ को कवर कर रही है ये जानकारी आपके पास होगी. तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आगे करेंगे तो आपको कई बार वो ऐसा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो, और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में हो सकती है प्रॉब्लम में. पर आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो आपको बेसिक यूनिट्स एसआई में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है. सभी यूनिट सेम होने चाहिए. तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें के का जो वैल्यू है उसका वैल्यू हमेशा के लिए होता है 10^3, किलोमीटर 10^3, और आवर्स 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं. तो मैं के की जगह लिख दूँ 1000 और आवर की जगह लिख दूं 3600 सेकेंड, और यहाँ बच जाएंगे मीटर, तो ये बन जाएगा 1000. ओहो ओके, दिस इज मीटर पर सेकेंड. इसके साथ आप इसको कैंसिल कर देंगे, 2, 5 और 18. सो आपके पास आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ओके तो यदि आपको ऐसे दिया होता है कि मान लो कि एक जो कार है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं? देखिए जरा, 18, इसका मतलब क्या हुआ? 18 गुणा 1 किलोमीटर पर आवर. ना 1 किलोमीटर पर आवर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 5/18, 18 गुणा 5/18
मीटर पर सेकेंड। सो 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वे टू चेंज द यूनिट्स फ्रॉम वन यूनिट्स टू अनदर यूनिट्स। सो यू कैन डू इट सो फास्ट व्हेन द क्वेश्चन टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल कम। सो नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द स्पीड, हाउ दे आर डिफरेंट एट व्हाट पॉइंट्स दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट एंड एट व्हाट पॉइंट दीज टू फिजिकल क्वांटिटी आर सेम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हम एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम का सहारा लेंगे, हम इस प्रॉब्लम को करते हैं। ओके, अब आपसे कहा गया है कि कार जो है, इस कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में कार चल रही है। से ओ पी इन फिगर 3.1, ये फिगर 3.1 है, ओ से लेके पी तक जा रही है, यहाँ से कार चलती है और कार यहाँ तक चली जाती है। और स्केल में ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये जो जानकारी है सारी इसके यूनिट्स मीटर में है। तो मैं यूं कहूं ओ से लेके पी तक जब ये जाती है तो टोटल 360 मीटर बनते हैं। ओके, तो ये टोटल यहां से चलती है, मैं यूं कहूं एक्स वन इज इक्वल टू जीरो और यहां एक्स टू इज इक्वल टू 360 मीटर, राइट। और इसके लिए वो समय लेती है 18 सेकेंड। सो जो टी वन यहाँ लिख दीजिए 0 सेकेंड और जो टी टू है यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको लग जाते हैं 18 सेकेंड। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, पी से लेके वापस यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से वो वापस यदि इधर को आ जाए तो वो 6 सेकेंड का समय लेती है। तो टी वन टी टू और इसको मैं टी थ्री कह देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ को आने के लिए उसको 6 सेकेंड लगते हैं। ओके, एंड 6 सेकेंड, वट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सो सी, आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सो पहला केस है ये वाला, केस नंबर वन, नाउ इंजॉय दिस। पहले केस में हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, उसमें कब, फ्रॉम ओ टू पी, ओ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज स्पीड, एवरेज फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ओके, सो देखिए जरा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसका फार्मूला पढ़ा था आपने, एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर टी टू माइनस टी वन, ये इसका फार्मूला रहेगा। यहाँ से उठाइए आप, एक्स टू का वैल्यू जो है वो 360 है और एक्स वन का वैल्यू जो है वो 0 है और टाइम टी टू का वैल्यू है 18 सेकेंड है, टी वन का वैल्यू 0 है। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये जो स्केल है ये मीटर में है और इसका स्केल सेकेंड में है, राइट। सो दिस इज 360 अपॉन 18, इट इज मीटर पर सेकेंड। सो 18 एकम 18, 18 दूना 36, ये 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो एवरेज वेलोसिटी यदि हमने निकाली तो आगे 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम निकालते हैं कि एवरेज स्पीड कितना होगा। ये देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है कि ए सेक्शन का, कि एवरेज स्पीड कितना होगा, राइट। एवरेज स्पीड करने के लिए क्या होगा, टोटल पाथ कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ। इसके लिए जितना भी रास्ता वो तय किए उसने तो उसके बारे में हम लिखेंगे और इसके लिए जो टोटल टाइम लगता है उसको लिखेंगे। ओके, अब देखिए टोटल रास्ता आपने तय किया ओ से लेके पी तक, तो आपने ये भी 360 मीटर ही है और समय भी आपको इसमें 18 सेकेंड ही लगता है। ओके, तो आंसर इसका फिर सेम आ गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपको जो दो चीज़ें यहाँ से और ये सिखाई, तो इसमें सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला कि जब तक दो बॉडीज, लर्निंग, यहाँ से लर्निंग क्या हुई, जो यहाँ से लर्निंग आउटकम है वो इस पार्ट की क्या है, व्हेन टू बॉडीज मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब वेन वेन नो
वैन वैन ए बॉडी, मैं यहाँ लिखता हूँ वैन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उसकी इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम एज एवरेज स्पीड। जब तक एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही होगी, और उसकी कोई अलग अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं हो रही है और सेम स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक ही जैसी एक ही चीज़ होती है। ये हमने इससे सीखा। दूसरे पार्ट में हम चलते हैं कि अब दूसरे पार्ट में हम क्या सीखते हैं, आपको इस न्यूमेरिकल से क्या सिखाने की कोशिश की है। सेकेंड पार्ट में आपको कहा गया कि आप ओ से लेके पी तक जाते हैं, ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू, पहले पी तक जाओ एंड देन पी टू क्यू, फिर पी टू क्यू तक, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अब हमारे पास है एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड जो फाइनल पॉइंट है एक्स टू इज इक्वल टू 240, ओके 240 मीटर। और इसमें जो T1 है वो 0 सेकेंड है, और जो T2 है तो O से लेके P तक जब जाता है तो 18 सेकेंड लगाता है, और P से जब Q तक आता है तो 6 सेकेंड और लग जाते हैं, राइट। तो T2 जो है वो 24 सेकेंड है। अब निकालते हैं हम जरा एवरेज जो वेलोसिटी क्या होगी, पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करें तो आता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन बटा T2 माइनस T1। सो एक्स टू क्या है 240 माइनस 0 मीटर ओवर T2 टाइम क्या है 24 माइनस 0, सो दिस इज 240 डिवाइड बाई 24, इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपने देखा एवरेज वेलोसिटी इस केस में आई है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो नाउ वी विल फाइंड नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। अब हम क्या करते हैं कि हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। आज हमने ये दोनों ही चीज़ें पढ़ी हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। एवरेज स्पीड यदि हम निकालें तो एवरेज स्पीड अब क्या होगी, टोटल रास्ता उसने कितना कवर किया है, पाथ लेंथ जितनी टोटल हुई बटा समय कितना लगा, टोटल टाइम। अब देखिए जरा पाथ लेंथ कितनी हुई, पहले वो गया ओ से लेके पी तक तो ये हो गया 360 मीटर, ये आ जाएगा 360 मीटर फ्रॉम ओ टू पी, ओके। फिर वो आया यहाँ से लेके ये है 120, ये है 120 180 180 इज 360 माइनस 240, सो इट इज 120, ये 40 40, हाँ दिस इज 120 मीटर, ओके। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग गया, पहले लगे हाँ वो तो 24 ही रहेंगे, 24 सेकेंड लगेंगे, तो ये आ जाएगा 480, दिस इज 480 डिवाइडेड बाय 24, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए जरा ध्यान से, जब तक तो दोनों ही जब जब एक बॉडी सेम लाइन में चलती रही तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी बराबर आई, पर जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज की तो उसकी एवरेज वेलोसिटी घट गई और उसकी एवरेज स्पीड इंक्रीज हो गई। इसका इससे यहाँ से आपने क्या देखा कि जो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड जब एक बॉडी सेम डायरेक्शन में चली रहती है तो बराबर होती है, बट व्हेन देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन तो वेलोसिटी घट जाती है और स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तीसरा केस भी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए जो थर्ड केस है वो इस न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, बट दिस इज द डिस्कशन पार्ट, दिस इज द डिस्कशन पार्ट ऑफ दिस एग्जांपल। यदि एक बॉडी नाउ ओ से लेके पी तक जाती है, ए बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, यदि ओ से लेके पी तक जाती है तो एक्स वन क्या हुआ 0, एक्स टू क्या हुआ ओ से लेके पी तक जाती है ये हुआ 360 मीटर, ओके
यहाँ टाइम क्या हुआ T10 और T2 क्या हुआ 18 सेकंड लगते हैं, ठीक है। फिर वो वापस क्या करती है, वो वापस फिर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ जाती है, एंड देन इट कम बैक टू ओ, वो वापस फिर यहाँ से P से O तक चली जाती है। सो इस केस में क्या होगा कि जो X2 है वो जीरो है। सो आई मीन मुझे ये फिर आधा लिखा है मैंने, तो इसको आगे मुझे बदलना पड़ेगा। वेल, तो इसको कांटा लगा दीजिए आप। इसमें आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, X1 इज इक्वल टू जीरो, तो फाइनली वो O से P तक जाने के बाद वो फिर दोबारा उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो वहीं आ गई है जहाँ से चली थी, और समय लगा था पहले 0 सेकंड पर शुरू किया था, 0 सेकंड है, और फाइनली जो T2 है वो 18 × 36 सेकेंड है। तो यदि आप यहाँ से अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इफ़ यू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम हेयर, तो जो टोटल डिस्टेंस जो है X2 − X1 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 36 सेकेंड, तो X2 − X1 तो 0 आएगा, डिवाइड बाई 36 ये मीटर बाई सेकेंड, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 0। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड के लिए टोटल रास्ता उसने कितना तय किया, पहले 360 मीटर इधर गई O से P तक, फिर P से वापस फिर यहाँ आ गई, तो ये हो गए 720 मीटर। 360 प्लस 360 डिवाइड बाई समय कितना लगा है 36 सेकेंड, तो ये हो गया 720 मीटर डिवाइड बाई 36 सेकेंड, और ये देखिए ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपने एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल की। लर्न के हमने क्या किया, न्यूमेरिकल करना एक अलग बात है, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने ये देखा, इन दो इन्फॉर्मेशन से हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जब एक बॉडी अपनी जगह से चले वापस फिर वहाँ पहुँच जाए तो उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, और उसकी जो स्पीड है वो देखिए वो अलग, उसका वैल्यू अलग हो जाता है, राइट। सो जो आपने एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखी कि जो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है, नेगेटिव वाला आपने केस पहले कर रखा है। सो दीज आर द लर्निंग आउटकम फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड आई होप दैट यू हैव लर्न्ड इट ब्यूटिफुली। वेल, विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।